नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन और वीडियो वॉलंटियर्स की प्रस्तुति इंडिया अनहर्ड में। वीडियो वॉलंटियर्स भारत का सबसे बड़ा सामुदायिक वीडियो नेटवर्क है, एक ऐसी राष्ट्रीय गठबंधन जो इंडिया के छोटे छोटे गांव और कस्बों से अनसुनी कहानियों को बाहर लाता है। जो कहानियां आप इस प्रोग्राम में देखेंगे वो कोई आम संवाददाताओं द्वारा नहीं, बल्कि आप ही के क्षेत्र से जुड़े सामुदायिक संवाददाताओं द्वारा बनाई गई है। हम अपने गांव से जुड़ी हुई बातें करेंगे, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर बनी वीडियो रिपोर्ट्स देखेंगे और उन मुद्दों पर बदलाव लाने की प्रक्रिया करेंगे। ये प्रोग्राम आपके और सरकार के बीच जानकारी का एक सेतु है, इसलिए बदलाव में आपकी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। हर रिपोर्ट के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगा जिस पर कॉल करके आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं इंडिया अनहर्ड। हम उसके लिए बना रहे हैं जिसकी आवाज आज तक नहीं सुनाई देती। जिस गांव का मैं वीडियो बनाई हूं, वहां के लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूं। नमस्कार, आज की हमारी पहली कहानी है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से। यहां पर सरकार एक नए इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का निर्माण करने वाली है। इसकी वजह से 65 परिवारों पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। सामुदायिक संवाददाता तंजू अपने वीडियो रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करती है कि ना तो घर और जमीन मालिकों से स्वीकृति ली गई है और ना ही मुआवजे की बात उठी है। आइए देखें किस तरह से ये समुदाय एकजुट होकर इस समस्या का हल ढूंढ रहा है। सड़क जो यातायात सुविधा बनाते हुए गांव को जोड़ते, राज्य को जोड़ते हैं, जिसे विकास में प्रमुख माना गया है, जिसका मैपिंग पढ़े लिखे इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, फिर भी उस विकास के दोषपूर्ण की डिजाइन की चपेट में आ जाने से हजारों हजार परिवारों के लिए विस्थापन की भी समस्या उत्पन्न करता है। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जो बंगाल से होते हुए बिहार से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए मैपिंग किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर ग्राम सरफरवा में करीब 40 घर, ग्राम जमहौली राजस्व गांव में करीब 20 घर, ग्राम हरकटवा करीब 5 घर रोड की चपेट में आ रहे हैं, जिसका मैपिंग करने के बाद पिलर गाड़ दिया गया है, जिसके लिए गृह मालिक एवं जमीन मालिक से ना ही लिखित तौर पर आदेश प्राप्त किया गया है और ना ही किसी मुआवजा के संबंध में बात किया गया। जहाँ की बगल में, दोनों बगल में खाली जगह रहते हुए इतना टेढ़ी लिया है, इसका नक्शा के साथ हम दिखा सकते हैं। ये जो लाल रंग का जो आप नक्शा में देख रहे हैं, ये सरकार का द्वारा इस पर पिलर हला है 100 फुट चौड़ा पर जी। लेकिन हम लोग एक हरा रंग का जो नक्शा इस पर डाले हैं, इस तरह अगर रोड बने तो चारों गांव बच जाता है और रोड भी 2 किलोमीटर का कमी में बनता है। तो सरकार का उसमें 6 करोड़ पर किलोमीटर में टेंडर है, 2 किलोमीटर में 12 करोड़ बचेगा सरकार को, अच्छा 8 गांव भी उजड़ने से बचेगा। मुख्य तौर पर सरफरवा के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान से आए, जो लोग एक बार पहले विस्थापन जैसी भयावह समस्या झेल चुका है और फिर से इस प्रकार की समस्याओं को देखकर खौफ में जी रहे हैं। ऐसे हम तो सब जगह एप्लीकेशन कर दिए हैं, दिल्ली प्रेसिडेंट को दिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को दिए, राष्ट्रीय मार्ग मंत्री पीसी जोशी जब था तब दिए, फिर यहाँ पटना में हम दिए, नीतीश कुमार को दिए, मुख्य सचिव को दिए और डीएम को तो कई बार दिए हैं। मैं इस समुदाय में से इस क्षेत्र की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगी कि फिर से रोड की सर्वे हो, जिससे सड़क की दूरी भी कम हो सके और गांव भी बच जाए और सीधा रोड भी निकल जाए। मैं इस समस्या को लेकर वीडियो बना रही हूं, जो भाई बहन देखेंगे जिला प्राधिकारी अभय कुमार से संपर्क करेंगे, जिनका नंबर है 94731-91294। इस नंबर में कॉल करके आप हमारी मदद करें। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए। बदलाव की प्रक्रिया में आप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।
जो वीडियो रिपोर्ट्स आप इंडिया अनहर्ड पर देखते हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, सामुदायिक संवाददाता इन समस्याओं के निदान को भी संभव बनाते हैं। ठीक ऐसा ही कर दिखाया है तंजू देवी ने अपने इस अगले वीडियो में। मटरिया और दुमरी गांव वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल कटाई के कारण हाथियों का संरक्षित क्षेत्र तेजी से घट रहा है। इस कारण पिछले कुछ सालों में कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां हाथियों ने गांव में घुसकर काफी तबाही मचाई है। ऐसे में सरकार का पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना अनिवार्य है। तंजू देवी अपने इस अगले वीडियो में दिखाती हैं किस तरह से उन्होंने समुदाय को जागरूक किया और उनकी आवाज़ को अफसरों तक पहुंचाकर पीड़ितों को मुआवजा दिलाया। कभी बाघ तो कभी भालू लोगों को मार डालता है, तो ज़्यादातौर पर नीलगाय फसलों को नष्ट करता रहता है, पर लोगों को मुआवजा के तौर पर किसी प्रकार की सहायता वन विभाग की तरफ से नहीं मिलता है और लोगों जानवरों की जनजात स्वभाव समझ कर चुप हो जाते हैं। दिनांक 21/12/2013 को ग्राम डुमरी में रात में करीब 8 बजे ब्रिजेश खोजवार के घर को जंगली हाथी ने पूरी तरह से गिरा दिया। पूरा गेहूँ दाल चावल सब खा लेलक और सोलर बैटरी पूरा फोड़ देलक। हम गरीब आदमी ये हालत में हम कहाँ जाएं। ग्रामीण के मदद से हाथी को भगा दिया गया, जो भागने के क्रम में कई गाँव की क्षति पहुँचाते हुए ग्राम मटेरिया में एक महिला को कुचल कर मार डाला, जिसे थरूर के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। भाग के स्कूल में गई नहीं जा, हाथी के झपटल हैं, झरलक गिर के आकर प्राण बहर गए हैं सड़क के जरी, हमनी भाग के चल गई जा स्कूल में। जिस समस्या को लेकर पीड़ित ब्रिजेश खोजवार बहुत परेशान थे, तब मैंने उन्हें आश्वासन दिया और आवेदन लेकर मंगराहा क्षेत्रीय फॉरेस्ट कार्यालय में पहुँची। फॉरेस्ट ने सपोर्ट करते हुए अंचल कार्यालय में आवेदन करने की प्रक्रिया बताए। तब अंचल कार्यालय में जाकर 23/12/2013 को आवेदन करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की। अंचल अधिकारी ने दिनांक पत्रांक देते हुए कहा कि आप लोग की मुआवजा मिल जाएगा। ठीक 16 जनवरी को वन विभाग से खबर आया कि ब्रिजेश खुजर की मुआवजा आ गया है, 17 जनवरी को वितरण किया जाएगा। जहाँ ACF श्री संतोष तिवारी के द्वारा पीड़ित ब्रिजेश खुजवार तथा मृतक जानकी देवी के परिजनों को चेक प्रदान किया गया। कितना मुआवजा मिला? 1,90,000। लिखित आवेदन करते हुए पीड़ितों को राहत के लिए मुआवजा दिलाने में सफलता पाई। मैं तंजू पश्चिम चरण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए। जैसा आपने देखा, इंडिया अनहर्ड एक नए प्रकार का कार्यक्रम है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। आप भी अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो वॉलंटियर्स के संवाददाता आपके समुदाय में आकर समस्याओं पर वीडियो बनाएं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शामिल हों बदलाव में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अनहर्ड, दूरदर्शन और वीडियो वॉलंटियर्स की प्रस्तुति। बिहार का पहला सामुदायिक मीडिया शो जो हमारे गांव से हमारे मुद्दे उठाता है, हमारी खबरें दिखाकर उन पर बदलाव लाने की कोशिश करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से सही जानकारी और आधिकारिक आवेदन से काम आसान हो जाता है, लेकिन क्या होता है जब दर्जनों आवेदनों और कोशिशों के बावजूद भी कोई हल नहीं निकलता। नालंदा जिले के हिलसा क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय के 637 छात्र छात्राएं और 11 महिला टीचर्स शौचालय ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं शौचालय ना होने से कई लड़कियों को स्कूल जाना बंद करना पड़ता है? इसी गंभीर समस्या को सुलझाने में लगे हैं नालंदा से हमारे संवाददाता मोहम्मद मिस्टर आलम। नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड में नगर परिषद स्थित गणपत बीघा में मध्य विद्यालय स्थित है। इसमें लगभग 637 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यहां लगभग 7-8 साल से बाथरूम की समस्याएं हैं। बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, इसके लिए बच्चों बाहर में जाते हैं और इस तरह से बाहर में जाना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन लाचार होकर के बच्चे बाहर जाते हैं। लड़के इतना है जो कि खिड़की से झांकते भी हैं, तो बच्चे बहुत महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। एक बाथरूम
है भी लगभग 8-9 साल से खराब पड़ा है। यहाँ 13 टीचर हैं, जिसमें 11 महिला शिक्षिका हैं। यहाँ महिला शिक्षिका को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बच्चों को तो कठिनाई होती ही है, साथ में हम सब जो 8 से 10 शिक्षिका हैं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाथरूम जाने के लिए हम लोग सोचते हैं, जगह खोजते हैं कि कहाँ पे जाए, लेकिन जगह नहीं मिलती है। बहुत परेशानी होती है। बच्चे लोग तो स्कूल के बाहर जाते हैं करने के लिए, लेकिन हम लोग स्कूल के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बदनामी होगी। प्रतिमा कुमारी क्लास 8 की छात्रा है, जिनको शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। शौचालय का सुविधा नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं शौचालय करने और बरांडा से नीचे कूद कर जाते हैं। जिससे बाहर जाते हैं तो ढेर सारे गांव वाले रहते हैं, तो हम लोगों को जगह ढूंढना पड़ता है और हम लोगों के साथ साथ मैम को भी दिक्कत होता है। चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में जितने जगह शौचालय बन सके हम लोग का कठिनाई जो है उसे खत्म हो जाए और बच्चों की समस्या भी सबसे खत्म हो जाए। बाथरूम बनने के लिए आवेदन दिए थे प्रधानाध्यापक? दिए, बार बार दिए थे, पर उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं किया गया। आवेदन हम लोग दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, ऑफिस में भी दे चुके हैं और भी कभी कभी लिखा करके मांग की उसकी होती है तो हम लोग लिख लिख करके देते हैं शौचालय के लिए, चापेकल के लिए, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई भी हम लोग का सुविधा नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस गणपत बिघा में एक बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए मेरी आप मदद कर सकते हैं, जिसका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 99 39 71 27 41 पर संपर्क कर मेरी मदद करें और इन पर दबाव बनाएं। मैं मोहम्मद मिश्रा आलम नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के गणपत बिघा से इंडिया अनहर्ड के लिए। नालंदा के स्कूल की समस्या को सुलझाने के लिए आप भी उनका साथ दें। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कीजिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हर स्कूल में कुछ बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है। पिछले एक साल से हमारे बिहार के संवाददाता इस अधिनियम को सही तरह से लागू कराने में लगे हुए हैं। बेगूसराय से संवाददाता इंदु ने पाया कि नवकोटी में स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ना तो यहाँ छात्रों के अनुपात में टीचर है, ना ही सक्रिय शौचालय और ना ही खेलने के मैदान की सही व्यवस्था। विकलांग छात्रों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक भी नहीं हैं। ये सभी शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। इंदु इस वीडियो के माध्यम से यहाँ बदलाव लाने के प्रयास में हैं। यह समस्या है उत्कर्मी मध्य विद्यालय गढ़ी की, पंचायत पूर्वी पसाड़ा, प्रखंड नवकोठी की। यहाँ पे स्कूल में छात्र 454 है और टीचर सिर्फ 7 ही है। यहाँ पे बच्चे को पढ़ने में काफ़ी समस्या हो रही है। विद्यार्थी तो पूरे स्कूल में 450 हैं और बच्चे लोग तो बहुत परेशानी करते हैं शिक्षक की कमी से। क्लास में नहीं देखते हैं शिक्षक को तो इधर उधर भाग जाते हैं। अब कभी इस क्लास में दौड़ना पड़ता है, कभी उस क्लास में, अब कितने को देख सकते हैं। शिक्षक के अधिकार के अधिनियम के तहत 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। इस विद्यालय में तो अभी शिक्षक तो 7 ही है, एक प्रधानाचार्य है और 6 हम लोग सहायक हैं। ऐसे तो सरकार के अनुसार 30 पर एक होने चाहिए, किंतु उस हिसाब से हम लोगों को कम से कम 12 शिक्षक 13 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अभी उपलब्ध सिर्फ 7 ही है। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उस बच्चे के लिए विशेष शिक्षक होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे विकलांग बच्चा है? हाँ है। तो क्या उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है? अभी हम ही तो देख रेख में है, लेकिन अलग से कोई शिक्षक अलग से उसके लिए टीचर नहीं? नहीं, चापा का लेख ही है। सब खाना खा के जाते हैं बर्तन धोने के लिए, तो वहाँ पर सब धक्का मुक्की करते हैं और खेल कूदने का भी जगह नहीं है। शौचालय है वो भी अच्छा नहीं है, बंद है। सर आप टीचर के बारे में कुछ लिख के दिए थे? जी हाँ, लिख के दिए थे। क्या निर्णय निकला? उसका कोई जवाब तो नहीं आया। हमने दिया जो शिक्षकों की कमी है, हमें शिक्षक दिया जाए। कब दिए थे? जनवरी
फर्स्ट वीक में। यहाँ पे कम से कम 7 टीचर और नियुक्ति की जाए, और टीचर नियुक्ति करने में आप भी मेरा मदद कर सकते हैं। यहाँ का बीओ साहब का मोबाइल नंबर है 9430168225 पे कॉल करके मेरा मदद करें। मैं इंदु, जिला बेगूसराय, बिहार से इंडिया अनहट के लिए। बिहार में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। 5 साल से कम उम्र के लगभग 80% बच्चे इसका शिकार होते हैं। सरकारी आंगनवाड़ी योजना के द्वारा गर्भवती धत्री महिलाओं को और बच्चों को सही पोषण और टीकाकरण दिया जाता है। कटिहार के मुसाहार टोला में संवाददाता रीना ने पाया कि एक भ्रष्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये लाभ गाँव के लोगों तक नहीं पहुँचा रही थी। इस अगले वीडियो में वे दिखाती हैं किस तरह से उन्होंने ये वीडियो को आला अफसरों को दिखाकर इसका समाधान किया। आइए देखें किस तरह से कैमरा, समुदाय और अफसरों ने मिलकर कुपोषण को हराया। पत्ता भी नहीं लगे छे आ नहीं दाल चावरा दे छे नहीं दाल दे छे नहीं चावल दे छे नहीं गेहूं दे छे कुछ नहीं अब लोग कुछ नहीं मिलता आंगनवाड़ी में कुछ और छोटे छोटे बच्चा को आप लोग कभी आंगनवाड़ी ना भेजे हैं नहीं। इस मुद्दा को लेकर हमने समुदाय के साथ बातचीत किए और वीडियो बनाए और ब्लॉक गए, सरकारी अधिकारी के साथ बातचीत किए, तो उन्होंने 3 महीने को टाइम दिया। ठीक 3 महीने के बाद 22 नवंबर 2013 को पोसहार क्षेत्र में सुपरवाइजर सेविका मिल के पोसहार वितरण किया। अभी कितना चावल कितना दाल बटाया जा रहा है? इसी बार बताएगा कि फिर अगला बार ही पहले वाला हो जाएगा? और आपको आंगनवाड़ी में दाल चावल मिल रहा है ना? हाँ। कितना मिला था? 1.5 किलो चावल, 1.25 किलो दाल। और आज नया केंद्र भी बन गया है, 1 सप्ताह के बाद केंद्र में पढ़ाई भी चालू हो जाएंगे। कब से स्टार्ट किए थे? यही 3 महीना जो है कि स्टार्ट हुआ है। हाँ। कितने दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? 7 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। आंगनवाड़ी में दाल चावल मिल रहा है ना? मिले इसे। और भवन सब कुछ मिले छे, अब बनी गेलो छे। बच्चा सबको खाना पीना बढ़िया दे छे। और सेविका आप समय से आंगनवाड़ी के नाता है ना? हाँ। और बच्चे के ऊपर ध्यान रखता है वो? ध्यान दे छे। हम जब गांव में गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो आप मेरे साथ थे ना? हाँ। उसके बाद ब्लॉक कई बार गए थे मेरे साथ? 3-4 बार। CDPO क्या बोला था? बोला कि हाँ हम तो नहीं जा सकेंगे ऐसे, फिर दोहरा करके सुपर भाजर जो आकर को तब दूसरा मैंने की भेजा तो दाल चावल बांट दिया। केंद्र भी बन गया अभी? हाँ बन गया है। अभी 6-7 दिन अभी लगेगा, 1 महीना से बन रहा है, अभी 6-7 दिन लगेगा बने में। इस बदलाव लाने के लिए हमारे समुदायक उमा देवी, वार्ड सदस्य, CDPO तथा हमारे पति भी साथ दिए। आज की आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार सही सही से मिल रहे हैं और नया एक मकान भी बन गए हैं, जिनमें कि 1 सप्ताह के बाद उसमें पढ़ाई भी चालू हो जाएंगे। मयूरीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया अनहट के लिए। हमारा समुदाय कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा का अभाव, लेकिन बिहार में बदलाव की एक लहर आ रही है। इंडिया अनहर्ड का सामुदायिक मीडिया इस लहर को आगे बढ़ा रहा है। इस अगले वीडियो में संवाददाता अशोक हमें बताते हैं सामुदायिक मीडिया और आम मीडिया का असली फर्क। ये केवल समस्याओं का खुलासा ही नहीं, लेकिन इनका हल भी निकालता है। लोगों और सरकार के बीच एक सेतु का निर्माण हो रहा है। आइए देखें लखापुर में 30 साल के बाद पानी कैसे आया। यहाँ लगभग 20 घर ऐसे थे जिसके पास चापाकल की सुविधा नहीं थी। चापाकल नहीं रहने के कारण हमको हम सभी को बहुत बड़ी समस्या था, नहाने फिजने पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ता था। कम से कम जब से हम लोग बसे तो सरकारी रूप का कोई चापाकल नहीं है। 30 बरस एक कुआँ था, वो 3 साल पहले सूख गया था, जिससे और समस्या बढ़ गई हम लोग को। आजकल का जो मीडिया है वह समस्या को बहुत ज़्यादा दिखाता है, लेकिन उसे दूर करने का कोई पहल नहीं होता है। मैं एक सामुदायिक पत्रकार हूँ और गांव की समस्या मेरा भी समस्या है,
इसलिए मैंने सोचा कि समस्या को सिर्फ दिखाना नहीं है बल्कि उसको दूर करना है। और मैंने देखा कि मेरे गांव में एक चापाकल की समस्या है। इस समस्या को लेकर मैंने ग्राम सभा में मुखिया जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मेरे गांव में जो चापाकल की समस्या है इसको दूर किया जाए। मेरा नाम वसुदेव मांझी है, पंचायतीय राज काकन का मैं मुखिया हूँ। कुछ दिन पहले आम सभा किए थे तो अशोक आया था और बोला था कि देखिए पूर्वी टोला लखापुर में जो कि पानी बिना कुल ललायित है, चापाकल वहाँ मुखिया जी दे दीजिए। बसरते चतुर्थ वित्त आयोग में मेरा पैसा आया था तो चापाकल मैंने गरवा दिए, मिस्त्री ले जाके लखापुर पूर्वी टोला में। और जब से मैंने चापाकल गरवाया है तब से देख रहा हूँ कि वहाँ के महादलित टोला परिवार के बहुत खुश नज़र आ रहा है और पानी के लिए जो कि समस्या था मैंने दूर कर दिया तो अभी मेरे नज़र से तो अच्छे ही अच्छा लग रहा है और अच्छा भी कह रहा है कि मुखिया जी अच्छा काम किए। अशोक ने हमसे पहले बात किए थे कि जो समस्या जटिल हो वैसे समस्या को हम उजागर करते हैं, तो इसे हमने अपनी समस्या को रखे थे। तो इस तरह से है जो बात हम रखे हैं और अशोक जी मुखिया पास गए हैं उस तरह से जो हमारे चापाकल महीना दिन के अंदर में लगभग आ गए। इससे तो हम बहुत खुश हैं और हमारा समाज भी बहुत खुश है। इसमें तो सबसे बड़ा एहसान अशोक जी मान सकते हैं। 30 साल से मुखिया सरपंच वीडियो कहां कहां हम लोग ने कोशिश किए लेकिन कहीं से लाभ नहीं मिला और इस तत्काल है जो महीने दिन के अंदर में काम करके दिखाया। इस वीडियो को बनाने से मुझे ये अनुभव हुआ कि वहाँ के लोगों के बीच मेरा मान सम्मान बढ़ा और मेरा हौसला भी बढ़ा। इस वीडियो को बनाने में वहाँ के ग्रामीण ने मुझे काफ़ी मदद किया और मुझे ये भी अनुभव हुआ कि वीडियो के माध्यम से गांव के लोगों को और अपने समुदाय के समस्या को दूर किया जा सकता है। मैं अशोक पासवान, ग्राम लखापुर, जिला जमुई, बिहार से IndiaUnheard के लिए। अगर आपके समुदाय में भी ऐसी समस्याएँ हैं तो आप 07930918669 पर कॉल कर सकते हैं और वीडियो वॉलंटियर्स के नज़दीकी सामुदायिक संवाददाता आप तक पहुंचेंगे आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। हम मिलेंगे अगले महीने इसी दिन इसी समय आपके गांव और कस्बों की कहानियां लेकर। हमें साथ साथ चलना है, साथ साथ बदलाव लाना है, इसलिए आप देखते रहिए IndiaUnheard और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। नमस्कार। IndiaUnheard में आने के बाद मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगी। मैं आप लोगों के सामने ऐसी बातें लाना चाहता हूँ उसे देखकर मेरे बस्ती के लोग जागरूक हो। मैं एक सामुदायिक पत्रकार के रूप में उन सभी मुद्दों को उजागर करने का काम करता हूँ ताकि इसका कुछ हल निकल सके। ये कैमरा जिसे कभी पकड़ा नहीं था, मैं फिल्म बनाकर उनकी आवाज बनूंगा। उन मुद्दों को कैमरे में कैद कर रही हूँ। जो अनकही हुई अनसुनी बातें हैं वो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। और कम छोटे वीडियो में पूरे दुनिया को हिला डालता है, ये सबसे बड़ा ताकत है मेरे लिए।